नमस्कार दोस्तों, रोडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में मॉडल टेस्ट पेपर 2 को डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि उत्कर्ष क्लासेस बुक का है। हड़प्पा सभ्यता से विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा मिलता है। हड़प्पा सभ्यता से विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा मिलता है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, लोथल से मिलता है। वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? आप अपने आप को भी चेक करते रहिए, आप कितने पानी में ऊपर हैं। दूसरा का हो जाएगा सी, अस्कनी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा तीसरा का ए, सारनाथ में दिया था। यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप कमेंट में बताइए फटाफट। सेंड्रो कोर्स हो जाएगा, सेंड्रो कोर्स। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किस विद्वान ने यह सिद्ध किया था? किस विद्वान ने यह सिद्ध किया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रह्मेर ने सिद्ध किया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना। प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना, भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम नारे के साथ तिरंगा ध्वज फहराया गया? राइट ऑप्शन 9 का हो जाएगा, सूरसेन ने। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? राउरकेला की स्थापना की गई थी जर्मनी के सहयोग से। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? 2 घंटे का अंतर होगा। निम्नलिखित अधिवास प्रकारों में से किसकी विशेषता है सांस्कृतिक समरसता एवं एकता की है? पूर्वा। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बैंक का गुणात्मक शाख नियंत्रण उपाय नहीं है? परिवर्तनीय कोष अनुपात। वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? 6.8%। वर्ष 2022-23 में केन बेतवा परियोजना के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? 1400 करोड़ रुपए। मिक्स्ड इकोनॉमी का अर्थ क्या है? सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह अस्तित्व है। यही राइट ऑप्शन पहले ही हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी और साहित्य से संबंधित है। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज के आदर्श की घोषणा करता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, राज के नीति निर्देश निदेशक तत्व, राज के नीति निदेशक तत्व।
भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार कौन से अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 51 का केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए गठित सरकारी आयोग में कौन सदस्य शामिल थे? बी शिव रमन और एस आर सेन शामिल थे, दो लोग शामिल थे। भारत में आधुनिक जिला प्रशासन का अध्याय निम्नलिखित में से किसके समय से प्रारंभ माना जाता है? वरेन हेस्टिंग के समय से माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? उच्च न्यायालय की सर्वप्रथम स्थापना कब की गई थी? 1865 में की गई थी। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का ग्रेविटेशनल का सिद्धांत, ग्रेविटेशनल का प्रिंसिपल किसने दिया? राइट ऑप्शन हो जाएगा आइजेक न्यूटन महाशय ने, ऊपर एक एप्पल सिर। निम्नलिखित में से सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना। निषेचन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है, निषेचन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है युग्मनज। पेप्टाइडोग्लाइकेन की एकलक इकाई बनी होती है, अमीनो एसिड तथा शर्करा से बनी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं है? स्वावलंबन का सही नहीं है। ऐसा होता तब नहीं, ये भी नहीं सही है, इसका ये गलत है। ये हेमाच्छादित आत्म स्वावलंबन, आत्मावलंबन और बधुपालंबा सही है, बधुपालंब है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म में अशुद्ध हैं? विलोम अयुग्म में, विलोम युग्म में अशुद्ध हैं। अनभिज्ञ का क्या हो जाएगा? अपेक्षित का अनपेक्षित हो जाता है, अल्पक का बहुक होता है, अनुरक्ति का विरक्ति होता है, अधम का उत्तम। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लीन शब्द किसका पर्यायवाची है? लीन शब्द किसका पर्यायवाची है? बी मुग्ध का पर्यायवाची लीन। युद्ध करने की प्रबल इच्छा वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा, युद्ध करने की प्रबल इच्छा वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा युयुत्सा। अर्घ शब्द का अर्थ मूल है, तो अर्ध शब्द का अर्थ होगा पूजनी, अर्ध पूजनी। खुशहाली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, खुशहाली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, क्षोभ नहीं है, संपन्नता समृद्धि और समृद्धता है। रेखांकित शब्द में संधि है, शैक्षिक शब्द में प्रत्यय है, शैक्षिक शब्द में प्रत्यय है। 38 एक। निम्नलिखित में से जटिल शब्द का विलोम शब्द होगा, जटिल का क्या होगा? सरल हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन। आज शब्द है, कैसा है? तत्सम है, तब दो देशज है, विदेशी है, कैसा है? तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रहा का पर्यायवाची नहीं है? बटोही। आधुनिक का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है?
प्राचीन। निम्नलिखित में से विदेशी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? बेशक। अभियंता दिवस किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? इंजीनियर्स डे किसकी जयंती पर मनाया जाता है? एम विश्वरैया के जन्मदिन या जयंती पर मनाया जाता है। महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था। महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था गोल्फ। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सा संस्थान सर्वप्रथम स्थापित हुआ था? आईआईटी रुड़की। रुड़की आईआईटी रुड़की स्थापित हुआ था। निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे भारतीय ना होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? नेशनल मंडेला। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित हैं? निशानेबाजी। वैश्विक सुरक्षा पहल GSI किस देश ने पेश की है? 92 का राइट आंसर हो जाएगा ए, चीन ने पेश की है। प्रतिवर्ष विश्व हाथ स्वच्छता दिवस या वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया जाता है? 5 मई को मनाया जाता है हाइजीन डे। पंद्रहवीं विश्व वानिकी कांग्रेस वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने की है? 98 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा प्लीज? आंसर इन कमेंट, आंसर इन कमेंट। राइट ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण कोरिया।